अस यह गल कर रहे साढ़े खिलाफ है कि लोगों दिन गल सुन दे मुल खादम गालियां देता है। मैं कोई जला मेरा कोई दिमाग खराब है शायद मेरा दिमाग तो अलहमदुल्ला कंप्यूटर है। हाँ जी मैं एक रकत में जबानी कुरान पढ़ सकना इतना मैं याद समझो जबानी कुरान ही नहीं पढ़ सकता अलहमदुल्ला के वन्नास तक सारे कुरान दियां गिरदाना भी मैं आदि मौली खादिम गालियां देता है सुने मौली खादिम गालियां देता है ओ मैं आके चलिया गालियां देता मौली खादिम गालियां ओ बचे हो तो अल्लाह सलामत रखे थोड़ी जवानियों सलामत रखे तुम बैठो असि वेख के खुश हाँ तुसा ही समुद्र घोड़े पाने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तुसा लियाने भी साल हो गए मैं भी जेल च रहा भी मिनट भी बड़ी औखी होती जेल तो वह कुड़ी बैठी जेल च ए पिछले दिन जो उन्होंने अम्मी जान ने घर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई साढ़े भी कराची के अमीर मौलाना रजी हुसैनी गए तो कह लगे कि उन्होंने अम्मी जान कहती कि हूँ तो बच्ची खंजीर भी खिलान लग पे और रोजाना कान से लादी होनी ना दीवार नाल कि मुहम्मद बिन कासिम नहीं आया ए तो कहती होनी रोज कि मुहम्मद बिन कासिम घोड़े लैके नहीं आया ए तो कान लादी होनी रोज इतने यार एक चूड़ी नाल कुफर वास्ते कट्ठा हो गया हजूर के खिलाफ उन्हें गल्लां कीतियां जब तक कुफर उन्हें लै नहीं गया सानू जेलां च रखिया हजारा बंदे लबैक के अंदर कर दिते ना सैयद वेखे ना हाफिज वेखे ना कारी वेखे ना इमाम वेखे ना मेरे जे माजूर वेखे एक चूड़ी नू छड़न वास्ते तो यार उस ना किसने छुड़ाना है उसनू कदी सोची तुसी ये गल वी साल अज हो गए उहदे बच्चे भी जवान हो गए उहदा बच्चा जिहड़ा आया सी ना उस वेले छोटा सी होशो आवासे च ऐसी मैं जब कराची गया ना उन्होंने घर मिलन तो मैं उस बच्चे नू पुछया मैं कहा यार इंसानियत की बड़ी बातें करते हैं ये यूरोप वाले तो मैं कहा तू तो छोटा जहा बच्चा सी तेरे तो अमरीकी फौजी बड़ा एहतराम करते होने मैं हस के कहन लगा ओहो कहिंदे कराची जो सानू गिरफ्तार किया इतों मैं मां तो जुदा किया मेरी रिहाई तक मैं मां नहीं वेखी तो जड़ा उन्हें पुछा पुत्र गोदी चाया सी उत्थे कराची के रोड उत्ती उन्हें मार दिता सी अमरीकियों ने एन चौके थल तो वह कहन लगा मेरे ना जो कुछ अमरीकी फौजियों ने किया मैं तुम्हें दसा मैं आकर दस कह लगा जिस कमरे में मैं बैठा होंदा सी ना बच्चा सी इतना सारा उस वेले कह लगा जेड़ा भी अमरीकी फौजी आंदा सी ठुड्डे मार के उस कोने सुट देंदा सी दूसरा आंदा सी ठुड्डे मार के इस कोने मैं कहा यार इत्थे ते बड़े इंसानियत दे दरस देंदे ने कहंदा तुसीं ना पुछो साडे नाल की उत्थे बीती अज भी वह कुड़ी उसको उसकी अम्मी ने मैनूं दस्या कि वह अमरीकी कहंदे ने हुण मुहम्मद बिन कासिम किसे नहीं आना तू एक तरीका है असी तैनू जेल चो रिहा कर देंदे कुरान थले बिछा देंदे तू पैर रख के कुंडी खोल के चली जा लेकिन उस कुड़ी उन्हें कहा मैं मर ते सकदी आं इंज ते नहीं ना होना यार तुसी कोई साढ़े खिलाफ गल्लां सुन करन तो पहले ना सोचा करो कि मौलाना केड़ा जुर्म कर रहे हैं असां हुजूर दी खत्मे नबूवत ते पहरा दिता सत्तर सफे ना बदले यार असीं पुछण गए सी भाई केड़ा बदमाश है ते बजाय इस दे के उस बदमाश नूं हटांदे साढ़े अठ बंदे शहीद कर दे क्यों हुण तक साढ़े सोलह बंदे शहीद हो चुके हुण तक जेड़े बाकी जुल्मों सितमन गिरफ्तारी के दौरान जी घर चादर ते चार दीवारी का इन्होंने किया वह तो मैं बयान कदी नहीं किया खानेवाल की होया तो खारियां की होया तो गुजरात की होया तो मौलाना यूसुफ साहब बुढ़े नब्बे साल आलिम सन हाफजाबाद जेल च रजाई नहीं दी और सर्दी ना सुकड़ के शहीद हो गए असी तो कभी रोया रोने रोने भी नहीं इस वास्ते कि असी जो रो पाए फिर तुसा तुहानू कौन चुप कराएगा असी फिर भी दलेर रांदियां अंदर रोईए तो बाहर हसीए सदा पै मिलीए चाहां नाल दिल लग्या बेपरवाह नाल जिथे दम मरण दी नहीं मजाल तुहाडे नाल इस वास्ते असी गल्लां इह सिर्फ इस वास्ते करदे आं कि उठो एक दिन वैसे भी चला जाना है तो कम अज कम इतना माण लै के कबर जरूर जाओ कि जो रसूलुल्लाह तशरीफ लियान उस तो पहले फरिश्ते पुछन हां जी ते तुसी कहो जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा क्यों जी इतना तो यार माण लै के जाओ ना जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा जे वो आ गया ते मैं दस देवांगा फिर पुछड़ा उस दे बारे विच जिदी दीद दी खातिर मरूं
जरा रुक जावो जावो हुण आ जांदा आना तां इंजी है ना देखो ओ तो फिर मंजर ही और होणा ओ जरा रुक जावो हुण आ जांदा जे ओ आ गया ते मैं दस देवांगा फिर पुछना उस दे बारे विच जिदी दीद दी खातिर मरियो चस तो यह होवे ना उत्थे हुजूर फरमा रहे अपने ही जाने दो ही अपने ही जाने दो ही अपने ही जाने दो ही अपने अस यह गल कर रहे तुम साढ़े खिलाफ बह के लोगों दी गल सुन दे मुल्क खातिम गालियां देता है मैं कोई जल्ला मेरा कोई दिमाग खराब है शायद मेरा दिमाग तो अलहमदुल्ला कंप्यूटर है हाँ जी मैं एक रकत में जबानी कुरान पढ़ सकना इतना मैं याद तवज्जो जबानी कुरान ही नहीं पढ़ सकता अलहमदुल्ला के वन्नास तक सारे कुरान दी गिरदाना भी मैं आदि अलहमदु शरीफ तो शुरू होता हामिद अहमद हमदन फवा हामिद व हमिद अहमद हमदन फजा का महमूद लम यहमद लम यहमद ला यहमद ला यहमद ला यहमद ला यहमद ला यहमद ला ला यहमद ला ला यहमद ला यहमद ला ला यहमद ला यहमद ला यहमद ला यहमद ला यहमद ला ला यहमद 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 ला محمد محمد ان محمد محمد ومحمدۃ افعل التفضيل المذكر من احمد احمدان احمدنا حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب من احمد واحمد بي وحمد يا حمدات سبحان الله سبحان الله کیوں جی اے بھی مینوں آندا ہے تے نالے بھی پتہ الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی यार तुम फिर मेरे खिलाफ गल्ला बैग करने हो उन्होंने तो दर्द हो और तुम तो हजूर के गुलाम हो कम अज कम मेरे खिलाफ गल्ला तो नहीं करो क्या मत आ दिन ए गुनाह तो अपने नाम है माल गालियां देता है कौन सी गाली मैं देता ना ना देखो इकबाल का मैं शेर अगर दो इतने पढ़ जावा ना तो शायद कोई तर्जमा करा तो पूरा मजमा ही नस जाए कड़ी डाड़ियां गल् इकबाल करना चंगा बंदा है चंगा मुसफर है पाकिस्तान वो चलो जो गल हो तो फिर गल करनी पैनी हम जो अंदर गैरत ना हो तो बंदा की कहे जनाब थोड़े तो जी गैरत ही किसी तो बेगैरत कहना ही कहना जी इकबाल भी कहता ता कुजा बेगैरत दी जीस्तन ए मुसलमान ये तो बेगैरत इकबाल भी लफ्ज किए कहते मुल खातिम गालियां देता मैं फिर इकबाल क्या करता जरा नबी के खिलाफ शाह जी मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ बलम बिन बाउर बद्दुआ कर दी तो कुरान ने उन्होंने नहीं किया कि मसलू का मसल कल फरमाया उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है जेड़ा नबी दे बारे जनाबे मूसा दे बारे गल करे वो कुत्ते की तरह है तो जो हुजूर के बारे में बात करे ये तो कुरान में लफ्ज मौजूद है लोग हमें कुरान पहले पढ़ इकबाल कहता इल्मे हकरा दर कफा अंदाख्तन बाहरे नाने नकद दी दर बाख्तन इकबाल कहता कुरान हदीस तो चुक के तू कंड पिछे रखिया हुण रोटी वास्ते एबीसी पढ़ते रहो सारी जिंदगी